वरिष्ठ नेता गुल मोहम्मद मीर, जिनको पॉपुलरली जिनको अटल के नाम से जाना जाता था, उस दौर में भारतीय जनता पार्टी के का काम उन्होंने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, डोरू, पुलवामा, बिजबिहाड़ा, कुलगाम के एरिया में किया, जिस दौर में पॉलिटिकल एक्टिविटीज करना कश्मीर घाटी के अंदर बड़ा मुश्किल होता था। पाकिस्तान के कायर और दरिंदे आतंकवादियों ने रात के अंधेरे में छुप के वार किया, जिसमें अटल गुल मोहम्मद मीर साहब का बलिदान हो गया, वो उनकी जान चली गई। ये पाकिस्तान की कायराना हरकत है, दरिंदगी है पाकिस्तान की, और जिन आतंकवादियों ने ये घटनाक्रम किया है उनको मौत के घाट उतारा जाएगा। लोग सोचते होंगे कि इन सब घटनाक्रम से राष्ट्रवादी शक्तियों को उनका मनोबल गिरेगा, कतई नहीं। जिन आतंकवादियों ने इस प्रकार का दुस्साहस किया है उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अटल गुल मोहम्मद मीर साहब की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। देश का तिरंगा झंडा हमेशा बुलंद करने वाले अटल गुल मोहम्मद मीर साहब हम सबके लिए प्रेरणा स्वरूप रहेंगे। आज भले ही वो हम सबके बीच में जिंदा ना हो, लेकिन उनकी यादें, वो उनके किए हुए काम हमारे लिए हम रहेंगे, और हमेशा देश को मजबूत करने के लिए, तिरंगे झंडे को बुलंद करने के लिए जो भी कश्मीर घाटी के अंदर नौजवान हैं वो काम करेंगे, और उनकी शहादत जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। देश के लिए और समाज के लिए, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, तिरंगे झंडे के लिए जो बलिदान अटल गुल मोहम्मद मीर साहब ने कश्मीर घाटी में दिया है, पूरा देश उनकी शहादत को नमन करता है, उनको सलूट करता है। रविंद्र, ऐसे जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, मैं आज पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना ठीक नहीं समझता हूँ, मीडिया ने आरोप लगाया ना, और आपने देखा होगा कि पूरा देश इस समय गमजदा है। जिस घटनाक्रम की आप बात कर रहे हैं प्रेस क्लब ले में, मैं एक ही शब्द में कहूंगा, मैं प्रेस क्लब ले वालों को चैलेंज करता हूं, आई डेयर देम कम विद एविडेंसेस, और जहां वो सारा जिसका उन्होंने घटनाक्रम किया वहां सारी सीसीटीवी फुटेजेस है, सारा घटनाक्रम है। दो वरिष्ठ पत्रकार मीडिया की जो गई है, ये पत्र लिखने वाला जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट नहीं हो सकता, वो उन्होंने लिखा है, वो कहीं कांग्रेस के चुनाव पर पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से हारे हुए, इस प्रकार का उन्होंने पॉलिटिकल षड्यंत्र किया है। हमने भी उनको नोटिस दिया है, शायद आपने पता नहीं वो देखा कि नहीं नोटिस, कि अगर वो 24 घंटे के अंदर इसको रिटर्न अपोलोजाइज करते हैं तो ठीक, अदरवाइज उनके खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर डेफेमेशन केस डालेंगे, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अमेंडमेंट 2008 के तहत भी जिन्होंने भी इस बेसलेस प्रोपेगेंडा किया है, जिन्होंने भी फॉल्स और डॉक्टेड ये सारा क्रम पेश किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और इनको इनके खिलाफ अदालत के अंदर हम केस लड़ेंगे, और उनको उनका जो भी उनकी साजिश है उनको उजागर करेंगे। वो आग से खेलने का काम कर रही है। आतंकवादी आतंकवादी हैं, आतंकवादी दरिंदे हैं, आतंकवादी इंसानियत के कातिल हैं, जिन्होंने इशरत मुनीर को मारा, जिन्होंने खुशबू चांद को शोपियान में मारा, जिन्होंने 11 साल के बच्चे को बांडीपुरा में आतिफ मीर को मारा, ये किसके सगे हो सकते हैं? आतंकवादी इंसानियत के कातिल हैं, दरिंदे हैं। आतंकवादियों जो बंदूक उठाएगा उसको भारतीय सेना मौत के घाट उतार देगी। महबूबा मुफ्ती शायद ये सोचती होगी कि भारतीय सेना ऑपरेशन ऑल आउट बंद करेगी, ये वो किसी वहम में है, ख्वाब में है। जो देश के खिलाफ बंदूक उठाएगा मौत के घाट उतार दिया जाएगा।